आज की क्लास में हम एक प्रोडक्ट शीट सीखेंगे। प्रोडक्ट शीट्स बनाएंगे, वो कैसे बनानी है। सिंपल, आपने सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है कुछ स्पेस को हेडिंग डालने के लिए। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, प्रोडक्ट शीट। ये हमने टाइप कर दिया प्रोडक्ट शीट। अब देखो, ये कर्सर ऑन है तो बाकी सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। तो आपने अगर ऊपर से कोई स्टाइल बड़ा या छोटा करना है तो उसके लिए ये कर्सर ऑन नहीं रहना चाहिए। फाइनल एंटर करके दोबारा आप इसमें एंटर करोगे, दोबारा इसमें प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद कर्सर ऑन रहेगा तो ये इंक्रीज नहीं होगा इसका साइज, ठीक है। और कोई भी इफेक्ट्स यूज नहीं होंगे, ऊपर के टूल्स यूज नहीं होंगे। आपने करना क्या है, सिंपल मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, प्रोडक्ट नेम डाल दिया, या हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर अपने हिसाब से कितने चल रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम। और ये प्रोडक्ट नेम बाहर निकल गया सेल्स के, तो हम क्या करेंगे कि इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए इसके अंदर ही। प्रोडक्ट नेम, प्लेस, कहाँ से खरीदा है आपने और उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है। आपने क्या करना है, स्पेस दे देकर आगे बढ़ना है। स्पेस दोगे और आगे, स्पेस नहीं, टैब दबाना है। टैब दबाओगे तो आगे मूव कर जाएगा कर्सर, या फिर राइट एरो की। और अमाउंट क्या निकलेगा, अमाउंट कैसे निकलेगा, और आपने इसमें जीएसटी लगाना है। जीएसटी लगाने के बाद जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी अमाउंट के बाद टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट एंटर करके आना। प्रोडक्ट नेम डालना है आपने, क्या चीज़ खरीद रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ, लैपटॉप खरीद रहा हूँ। कहाँ से खरीद रहा हूँ, दिल्ली से खरीद रहा हूँ। और कितनी क्वांटिटीज़ खरीद रहा हूँ, सपोज 10 क्वांटिटीज़ खरीद रहा हूँ। वह एक लैपटॉप आपका 20,000 का है फॉर एग्जाम्पल। अमाउंट कैलकुलेट कराना है। अमाउंट कैलकुलेट कराने के लिए क्या करना होगा आपको, क्वांटिटी इंटू रेट। क्या करना, सिंपल फॉर्मूला है, क्वांटिटी इनटू रेट। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने क्वांटिटी का एड्रेस डालना है, D7। या तो आप D7 एड्रेस डालो या तो प्रेस कर लो। और मल्टीप्लाई, जो स्टार का सिंबल है आपकी नम लॉक के साइड में स्लैश के साथ में, स्टार मल्टीप्लाई, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। और E7 आप प्रेस कर सकते हो या E7 टाइप कर सकते हो और एंटर करोगे या फिर टैब दबाओगे। टैब दबाने से आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर जीएसटी लगानी है। जीएसटी में क्या लगा रहा हूँ कि अगर हम दिल्ली में ही अगर मैंने इफ कंडीशन से जीएसटी निकाल रहा हूँ, इसकी टैक्स निकाल रहा हूँ। इफ अगर हम लॉजिक टेस्ट करते हैं, मेरा जो प्लेस दिल्ली है, इक्वल किसके है, दिल्ली के है, तो मैं उसको टैक्स दे रहा हूँ 9%। अदरवाइज इसको क्या हो जाए, 18%। अदरवाइज 18%, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने लॉजिक टेस्ट करा था यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉजिक है कि अगर वो दिल्ली का है, C7 इक्वल, जो C7 है, जो C7 प्लेस है मेरा, अगर वो दिल्ली है तो 9% टैक्स लगेगा, अदरवाइज उसको 18%। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो दिल्ली की स्पेलिंग वगैरह क्रॉस चेक कर लेना, अगर नहीं आएगा देख लेना दिल्ली सेम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा। और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होना चाहिए, दिल्ली भी क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, तभी आएगा 9%, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो यहाँ पे दिल्ली इन्वर्टेड कॉमा में नहीं था। और ये सारे जो परसेंटेज हैं ये भी इन्वर्टेड कॉमा के, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोई नहीं लगाएगा, सारे यही मिस्टेक करते हैं, सिंगल लगा देते हैं। सिंगल आपने नहीं लगाना है, डबल है, शिफ्ट के साथ लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये शिफ्ट के साथ लगे हुए इन्वर्टेड कॉमा है। और एंटर करोगे 9%। क्यों 9% आया, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है। अगर मैं यहाँ पे कोई और स्टेट डाल दूँ, यूपी डालने पे क्या वो 9% ही रहेगा। आप इधर ध्यान देना, ये 9% नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, 18% हो जाएगा। सिर्फ दिल्ली के लिए ही है वो 9%। अब मेरे को जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कराना है, इसे बड़ा कर लेता हूँ। पूरा अमाउंट दिखाई नहीं दे रहा, मैंने ये पूरा बड़ा कर लिया। अमाउंट कैसे कैलकुलेट कराऊंगा, मेरा इस अमाउंट का 9% निकालना है। अमाउंट मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई ये जीएसटी, जीएसटी पे जैसे प्रेस मारोगे ये आपका 9% दिखा देगा। टोटल
अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट कैसे निकालना है। हर प्रोडक्ट पे जो भी आप खरीदने जाते हो उस पर टैक्स इंक्लूडेड होता है, तो आपने क्या करना है, अमाउंट जो आपने पे करना है उसके ऊपर प्लस जो आपने टैक्स पे करना है जीएसटी अमाउंट, ये आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट। इस तरह से आप निकाल सकते हो प्लेसिस टोटल अमाउंट। और मैं इस तरह से दो तीन प्रोडक्ट और निकाल देता हूँ। ये सीरियल नंबर 1 है आपका, सीरियल नंबर 2 ऐसे ही कर सकते हैं, सीरियल नंबर 3 ऐसे ही कर सकते हैं। मैं 2 से 3 प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। जैसे कि एक टीवी खरीदने जा रहे हैं हम, टीवी खरीदा है और ये हम खरीद रहे हैं क्या यूपी से, और ये क्वांटिटीज डाल दी 5, एक 15,000 की खरीद रहे हैं। और इसका अब मुझे इसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसे पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करूंगा, खींच लूंगा तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब परसेंटेज भी निकालने की जरूरत नहीं है, अब एक एक करने की जरूरत, मैं इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को निकालने की जरूरत नहीं है। एक साथ दो या सभी को एक साथ पकड़ के ड्रैग कर दोगे नीचे सारे निकल आएंगे इस तरह से। बस हमें क्या डालने की जरूरत है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के साइज को बहुत छोटा कर लो तो देखने में अच्छा लगेगा, लुकिंग वाइज ठीक लगेगा। टीवी खरीद लिया, सपोज आप किसी की फ्रिज खरीद रहे हो आप कहीं से, और ये मैं हरियाणा से खरीद रहा हूँ, ठीक है, ये हमने खरीदा हरियाणा फ्रिज से, फ्रिज हमने हरियाणा से खरीदा है। और इसमें मैंने क्या डाल दिया है, क्वांटिटीज डाल दी हैं। सपोज हम 50 खरीद रहे हैं, एक आपका 10,000 का है, तो सेम आपने क्या करना है, अमाउंट इन सभी पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, जिस पे फॉर्मूले लगे हुए हैं इनको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दोगे, ये निकल जाएंगे आपके टोटल्स। और आपने क्या करना है, लास्ट में ग्रैंड टोटल निकालना है सभी का। मैं इसे जूम थोड़ा आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्रैंड टोटल निकालना है, ग्रैंड टोटल इन्हीं सबका टोटल, जितने भी 10 प्रोडक्ट निकाले होंगे या 5 प्रोडक्ट निकाले हैं, इन सबका टोटल क्या करना है आपने, इक्वल टू सम करना है, सम फंक्शन लगाना है आपने, और ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर करना है, ग्रैंड टोटल निकल जाएगा। इसके ऊपर मैं डिस्काउंट बता रहा हूँ, डिस्काउंट निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरे एक कंपनी में, हर कंपनी में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मैंने इफ कंडीशन लगाई है, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये जो ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल का एड्रेस डाला मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर, इसमें ग्रैंड टोटल अगर ग्रेटर देन है 5 लाख से, 1, 2, 3, 4 5 लाख से अगर ग्रेटर देन है, तो मैं सिर्फ 6% डिस्काउंट दूंगा, 6% डिस्काउंट दूंगा। अदरवाइज इसको, अगर ये ग्रैंड टोटल 5 लाख से बड़ा नहीं है तो मैं इसे 4% डिस्काउंट दूंगा, 4% आपने लगाना है। परसेंट का साइन 5 नंबर में मिलता है आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, ब्रैकेट क्लोज रखना है, ठीक है, आप समझ गए। इतना मेरी कंडीशन है कि अगर ये ग्रैंड टोटल ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का साइन इसलिए लगाया कि ये बड़ा है अगर, तो 6%, अदरवाइज 4% है। अब ये बड़ा है इस वजह से 6% मिल रहा है। अब ये 6% होता कितना है, 6% हम इसे डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक वाला आपने करना है, सिंपल है कि आपने ग्रैंड टोटल को, ग्रैंड टोटल का एड्रेस है I11 मल्टीप्लाई कर देना है डिस्काउंट के साथ, इसका डिस्काउंट अमाउंट निकल आएगा। मैं अमाउंट लिख देता हूँ, डिस्काउंट अमाउंट निकल आएगा अमाउंट, ठीक है, ये इसका अमाउंट है। 6% कितना होता है ग्रैंड टोटल का, ये अमाउंट है। ऐसे ही आपने नेट अमाउंट बताना है, नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, नेट अमाउंट जब भी आप जाते हो कोई चीज़ परचेज करते हो, तो ग्रैंड टोटल तो आपको ये बन रहा था, और आपने इतने प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उस पे से आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये अमाउंट, तो आपने इसमें से ये माइनस कर देना है और एंटर कर दोगे तो ये नेट अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट हो जाती है प्रोडक्ट शीट, प्रोडक्ट शीट आप, मैंने पूरी सेलेक्ट करके इसे बॉर्डर लगा देता हूँ, थोड़ी लुकिंग वाइज ठीक लगने लगेगी। ये आपकी बनके तैयार हो गई है, जैसे कि ये रैप कर रहा है ये पूरा प्रॉपर तरीके से, अपने इस पर रैप ऑप्शन क्लिक कर दो सभी पे सेट करके इसे, तो ये ऐसे हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रैंड टोटल, ये प्रोडक्ट शीट कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आपने प्रोडक्ट शीट बनानी है।
इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शीट सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।